जय आर्मी, कैसे हो तुम लोग? ठीक है। तुम लोगों ने अपने पूरी लाइफ में कभी ना कभी फ्री फायर तो खेला ही होगा, एंड आई ने छोड़ भी दिया होगा। मैं भी पहले खेलता था बहुत, और अब मैंने छोड़ दिया है और आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड आई नो तुम लोग ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, लेकिन तुम लोग को भाई फ्री फायर की बहुत याद आती होगी, सेम मुझे। तो इसलिए मैंने अपनी दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए, हाँ सिर्फ तुम लोग के लिए, एक ऐसा मोड ढूंढा है जिसमें फ्री फायर प्लस माइनक्राफ्ट मिक्स हो गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, फ्री फायर अपन माइनक्राफ्ट के अंदर खेल सकते हो, बिल्कुल रियल फ्री फायर है। उसमें मजा आएगा, उसमें तुम लोग को बरमूडा मैप मिलेगा, प्रगेटरी मैप मिलेगा, क्लास स्क्वायर मिलेगा, ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा, वो भी ओल्ड वाला। हाँ ओल्ड वाला भाई, ओल्ड फ्री फायर की कुछ बात अलग है। तो बस अब एक काम करें, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपन चलते हैं फ्री फायर प्लस माइनक्राफ्ट, जैसे अपन बोलेंगे माइंड फायर के अंदर। एंड अपना वर्ल्ड अब यहाँ पर कुछ खुलने वाला है, और ये देखो भाई साहब, इन लोगों ने बिल्कुल फ्री फायर का जो पुराना बैनर था वो इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि बहुत सही लग रहा है। सो अपना मैप यहाँ पर खुल चुका है, और ये देखो ये रही अपनी लॉबी आई थिंक, और हाँ ये लॉबी है, क्योंकि ये देखो पीछे पूरे लॉबी बना है। और यहाँ पर अपने एक साइड पर लिखा है स्टोर, और एक साइड है मैच स्टार्ट करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले अपन तुम लोग को मैं स्टोर पर लगा दिखाता हूँ। तो ये देखो शॉप के अंदर क्या है, यहाँ पर लिटरली तुम लोग को क्रिमिनल बंडल मिल रहा है, और एक साथ में मनी हीस्ट, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। बाकी मेरे सब में फेवरेट है रेड क्रिमिनल, तुम लोग का फेवरेट कौन सा तुम लोग मुझे जरा बता देना कमेंट में। अभी अपन उसको बाहर निकालेंगे, चले अपन थोड़ा लॉबी में जाकर देखते हैं क्या क्या है। एंड ये देखो ये रही अपनी एकदम रियल लॉबी, मेन लॉबी, और यहाँ पर देखो अपन को एक इमोट का सेक्शन मिलता है। देखो यहाँ पर लिखा है स्नेक टू एक्टिवेट इमोट, अपन देखो यहाँ इमोट को चेंज करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इस इमोट चेंज को चेंज किया, और ये देखो भाई साहब एकदम क्राउन इमोट वाला वहाँ चल रहा है, और भी यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे इमोट होंगे, अपन उन्हें अब चेंज करके देखते हैं एक बार, बाकी ये कितना सही लग रहा है देखने में। एंड अब ये देखो ये रहा अपना भाई डीजे आलोक वाला इमोट, जो कि फ्री फायर से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था एक टाइम पे। एंड ये रहा अपना फाइनली फ्लैग इमोट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने अभी भी अपनी स्किन जो चेक की मेरी स्किन कौन सी, और ये तुम लोग देखो ये मेरी सकूरा की स्किन है, जो कि फ्री फायर में फर्स्ट लाइट पास था, ये उसकी स्किन है। और भाई साहब ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अपन को लिटरली शुरू में ऐसी मिल गई, काश रियल में ऐसा मिलता। बाकी मेरे पास रियल में बनी बंडल है, तुम लोग के पास कौन सा रियल बंडल है तुम लोग मुझे कमेंट बताना। एंड अपन लोग अपने फोन का वॉल्यूम या टेस्ट ऑडियो वाला साउंड सुनने में बताने वाला हूँ। ओपन करेंगे मैच को स्टार्ट। तो ये देखो यहाँ पे अपने पास सारे के सारे मोड आ गए हैं, फ्री फायर में होते हैं। ये रहा अपना क्लासिक बरमूडा, क्लासिक परगेटरी, और ये रहा अपना क्लास स्क्वायर और बॉम स्क्वायर वगैरह वगैरह, और लास्ट में अपना ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कि वीडियो के एंड में खेलेंगे। अभी अपन खेलेंगे क्लासिक परगेटरी, और इस मैप में जो अपना बरमूडा परगेटरी है वो सेम से पता नहीं क्यों, बट फिर भी सेम है, तो अपन परगेटरी खेलेंगे अभी। सो ये रही अपनी देखो लॉबी एकदम खतरनाक सी, और लॉबी में यहाँ पर अभी अपन को ब्लेजर दिख रहे हैं, जो कि बड़े नूब दिख रहे हैं, तो अपन ऐसे ही हरा देंगे शायद अगर ये मैप में आए तो। और यहाँ पर अपने स्कोर बोर्ड, यहाँ पर मेरी फोर नहीं है, इसलिए अपन काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पर हटा देते हैं। एंड अपना मैच यहाँ स्टार्ट हो गया है, देखा जा रहा है क्लासिक परगेटरी, जो कि एकदम फ्री फायर फिल्म लिख के आ रहा है। और देखो ये रहा अपना भाई सब प्लेन, जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रहा है माइनक्राफ्ट के हिसाब से। एंड ये हो गई अपनी यहाँ पर लैंडिंग इस घर के सामने। एंड यहाँ चेस्ट मुझे मिल जाती है अच्छी खासी गन MP40 वगैरह, तो इससे आई थिंक अपन भी आराम से निकाल लेंगे। सो इस कार में थोड़ा और लूट लेने के लिए इस घर के ऊपर आता हूँ, और मुझे ऊपर मिलता है अपने इस गेम का पहला बंदा, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार देता हूँ। एंड ऐसे ही करते करते मैंने यहाँ पर इस गेम में कर ली थी अपने पूरे के पूरे 6 किल, जो कि आई थिंक एक प्रो की निशानी है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? एंड आगे जाके मैंने इस गेम में पहली बार ग्लू वॉल का यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल था सच में, क्योंकि इससे मैंने कवर में आके बहुत आसानी से बंदे को एकदम हेडशॉट मार दिया था। एंड ऐसे ही मैंने इस गेम में 10 किल के साथ बुरा करियर था, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हो चुका हूँ। एंड मैच खत्म होने के बाद मुझे मिला 3 इंक्यूबेटर बाउचर, जिससे मैंने यहाँ पर लक रॉयल में स्पेंड किया, और मुझे मिला क्रिमिनल का ब्लू प्रिंट, जिससे मैंने रेड क्रिमिनल को बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एंड इसके बाद आया मैं ट्रेनिंग ग्राउंड करने, जो कि भाई लिटरली पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर देखो ट्रेनिंग ग्राउंड का पूरा छत वगैरह बना है, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे किल किए, बहुत मज़ा किया। और इसी के साथ वीडियो भी खत्म होती है। अगर ये वाला मोड तुमको चाहिए तो कमेंट करना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक, आई होप तुम इसे कंप्लीट कर दोगे। एंड मेक टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।